अहमद अलवी लिखते हैं, सुना है ये बना करते हैं जोड़े आसमानों पर, तो ये समझे कि हर बीबी बला ये आसमानी है। अब ये बीबी तो इतनी कमाल निकली कि इनके पति ही आसमानी आसमानी हो गए हैं कसम से। एक पति ने पुलिस को बताया और शिकायत की कि मेरी बीबी के मुझसे पहले चार चार पति और हैं, पांचवा मेरा नंबर है कसम से। अब पति पालने के शौक है जनाना को हम क्या कहें, क्या नाम दे, हमें तो बड़ी शर्म आ रही है कसम से। अब यह बीबी बड़े कमाल है, पहले लोगों को फंसाती है और ईलू ईलू का खेल जमाती है, फिर शादी करती है, उसके बाद जेवरात लेके फरार हो जाती है, वो भी सुहाग रात के दिन कसम से। सागर की समस्त स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म अब एक ही छत के नीचे, न्यू खान ड्रेसेस, जहां आपको मिलेंगी समस्त स्कूल कॉलेज की ड्रेस, वो भी मनचाही फिटिंग और उचित दामों पर। पता याद रखें, हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल गली, कबाड़ खाना, नमक मंडी, कटरा, सागर। फिर झूठी झूठी रिपोर्ट दर्ज कराती है पांच पति वाली इकलौती बीवी की भयंकर दास्तान, मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आई, जहाँ फूल चंद ने पुलिस और प्रशासन के सामने गुहार लगाई है कि मुझे मेरी बीवी से बचा लो कसम से। अब इस महिला के अलग अलग पतियों के साथ अलग अलग नाम है। फिलहाल फूलचंद की फूलबत्ती पर महिला थाने में 420 यानी ठगी का मामला दर्ज हो गया है कसम से। इसकी पत्नी इस पर अप्राकृतिक शोषण के आरोप लगा रही थी, जब पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी तब बीते दिनों इस महिला ने अपने पति के खिलाफ धमका कर पैसे मांगने का मामला कोतवाली थाने में दर्ज करवा दिया है कसम से। मेरा नाम फूलचंद कुशवाहा, ग्राम भगवता। कहाँ आए थे आज आप? मैं सर एस पी सर के यहाँ आया था। किस विषय को लेकर? मेरी पत्नी है, उसने पहले से ही चार चार पाँच पाँच शादियाँ कर रखी थी, तो मैंने उसके खिलाफ में आवेदन दिया था एस पी सर को बहुत 2-3 महीने पहले, तो उस पर एफ आई आर भी हो चुकी है 420 की। इसके बाद जब से उसके ऊपर एफ आई आर हुई है, जब से मुझे परेशान कर रही है। अभी हाल ही में उसने 19 तारीख को मेरी एक भारी एफ आई आर कर दी, उसकी शिकायत करने में साहब यहाँ आया था, तो साहब ने आश्वासन दिया है तो जांच करेंगे कि इसमें टोटल फर्जी मुकदमा है। और ऐसा ही मुकदमा उसने कुछ दिन पहले 3 महीने पहले परवेश खान पर भी लगवाया था। अब उससे भी कुछ पैसे की लेन देन करके उसके बयान बदल दिए हैं और वो बरी हो गया उस केस में, उसने राजीनामा कर लिया है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे केस में उसने फर्जी मुकदमा लगाया है, उसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए और मुझे न्याय दिया जाए। और जी भी आपने शिकायत की थी पांच? हाँ वही वाली है, मैंने इसके पांच पति हैं पहले, वही मैंने सर को बहुत पहले शिकायत कर दी 3 महीने पहले, तो उसके ऊपर उसी के आधार पर 420 का मुकदमा हुआ था। अब ऐसे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ भाई साहब, अब अगर मैं मेरे खिलाफ ऐसे ही एफआईआर करती रही, धमकी देती है, मुझसे पैसे ही मांगती है, तो मैं मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं क्या करूँगा? इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं बहुत परेशान कर रही हो और धमकी दे रही है, तो मैं कई लोगों से मेरे पास ऐसे संबंध है मुस्लिम लोगों से, तो मैं जान से मरवा दूंगी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं, अगर मेरे पास सुनवाई नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सर कौन धमकी देता है आपको? नहीं, सलमान है, देवी रोड का सलमान नाम का लड़का है और एक शायद है, हाँ दोनों सटोरी है सलमान, मैंने पहले ही बताया था, अभी तक उसके आने तक संबंध उससे भी है, भाई करवा रहा है सब मिल जुल कर उससे, अभी झूठी एफ आई आर करवा दी बिल्कुल मेरी। मेरी उस दिन कोर्ट में पेशी थी, इसने मौका का फायदा उठा के मेरी एफ आई आर करवा दी, अब मुझे जान से मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मामले में फूलचंद भागे भागे एसपी महोदय के यहाँ पहुंचे थे, कहा कि मुझे इस भयंकर महिला से बचा लो, माने बचा लो कसम से। फिलहाल एसपी साहब ने फूलचंद भाई साहब को बचाने की गारंटी दी है कसम से। इस प्रकार से दोनों पक्षों की तरफ से आवेदन आए हैं, वो पति ने पत्नी के विरुद्ध और पत्नी ने पति के विरुद्ध आवेदन दिया है कोतवाली थाने में, दोनों आवेदन हैं और उनकी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब जिसकी बीवी चालू उसका भी बड़ा नाम है, पांच पांच को लूटे उसका यही काम है। अब किसी जमाने में रंगदारों की हफ्ता वसूली से लोग परेशान थे, आजकल फूलचंद जैसे पति अपनी पत्नी की भयंकर वसूली से परेशान हो गए हैं कसम से। भगवान झूठ न बुलवाए, ऐसी पत्नी फूलचंद के दुश्मनों को भी ना दें कसम से। मुकेश यादव, सागर एक्सप्रेस न्यूज, छतर। सागर की समस्त स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म अब एक ही छत के नीचे, न्यू खान ड्रेसेस, जहां आपको मिलेंगी समस्त स्कूल कॉलेज की ड्रेस, वो भी मनचाही फिटिंग और उचित दामों पर। पता याद रखें, हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल गली, कबाड़ खाना, नमक मंडी, कटरा, सागर।